हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। आज मैं आपको बताऊं कि डिज़ास्टर के बारे में, डिज़ास्टर क्या होता है, कितने टाइप के डिज़ास्टर होते हैं और हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ास्टर की बात करें तो यानी आपदा, ये मैन मेड भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। ठीक है, तो मैन मेड जो डिज़ास्टर होते हैं वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं और हम उन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डिज़ास्टर्स के बारे में आप सबने भी बहुत सुना होगा कि ये आपदा आ गई, इस तरीके का ये प्रॉब्लम हो गई, मैन मेड डिज़ास्टर के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिज़ास्टर की। तो डिज़ास्टर क्या है, नेचुरल और मैन मेड दो तरीके के डिज़ास्टर होते हैं। ठीक है, मैन मेड और नेचुरल डिज़ास्टर्स जो रहते हैं, कोई भी तरीके का डिज़ास्टर हो उसमें लाइफ हार्म, प्रॉपर्टी हार्म, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। मान लीजिए दोनों चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो नेचुरल डिज़ास्टर जो हैं उन पे हम क्या कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पर आज हम मैन मेड डिज़ास्टर के बारे में पहले बात करेंगे कि मैन मेड डिज़ास्टर कौन कौन से होते हैं और उन पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सबने देखा होगा कि जो डिज़ास्टर आते हैं, जो भी आपदा क्रिएट होती है उसके बाद बहुत सारा लॉस होता है, ह्यूमन लॉस के साथ साथ प्रॉपर्टी लॉस भी, प्रॉपर्टी के साथ साथ ह्यूमन लॉस भी, उसमें आसानी से मतलब ये समझ लीजिए सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरीके के डिज़ास्टर्स हैं, उनको हम कैसे बचाएं, डैमेज, लाइफ डैमेज, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय, इन सब को हम कैसे रोक सकते हैं मैन मेड डिज़ास्टर अगर हो रहे हैं, और अगर नेचुरल डिज़ास्टर हो रहे हैं तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैन मेड डिज़ास्टर के बारे में। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था दो तरीके के डिज़ास्टर होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर और मैन मेड डिज़ास्टर। ठीक है, तो मैन मेड पहले नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि मेजर और माइनर होते हैं। मेजर डिज़ास्टर के अंदर आता है फ्लूड, साइक्लोन, ड्रॉट और अर्थक्वेक। ठीक है, और मेजर डिज़ास्टर के, माइनर डिज़ास्टर के अंदर आता है कोल्ड वेव्स, थंडरस्टॉर्म, हीट वेव्स और लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कि अचानक से ज़मीन जो है वो नीचे को दबना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के डिज़ास्टर आते हैं, इनमें दो कैटेगरी में इन्हें बांटा गया है, मेजर और माइनर। उसके बाद मैन मेड डिज़ास्टर की बात करें तो ये भी दो तरीके के होते हैं, मेजर मैन मेड डिज़ास्टर और माइनर मैन मेड डिज़ास्टर। ठीक है, तो मेजर मैन मेड डिज़ास्टर जो रहते हैं उसमें क्या होता है, जैसे फायर लग जाना, ठीक है, पॉल्यूशन हो जाना, किसी चीज़ का पॉल्यूशन वार जुट जाए, पॉल्यूशन वार्स जो रहती हैं। ठीक है, डिफॉरेस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हो गई। और मेजर माइनर डिज़ास्टर के अंदर रोड ट्रेन एक्सीडेंट्स हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गई, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हो गए, कुछ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, ये सारे आते हैं मैन मेड डिज़ास्टर के अंदर। ठीक है, अब हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इनके बारे में बात करें तो देखिए, न्यूक्लियर डिज़ास्टर भी आता है मैन मेड डिज़ास्टर के अंदर, केमिकल डिज़ास्टर, फायर एक्सीडेंट्स, इस तरीके के सारे डिज़ास्टर इसके अंदर आते हैं। अब हम पहले केमिकल डिज़ास्टर की बात करें तो हम कैसे उससे प्रिवेंशन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले तो केमिकल डिज़ास्टर होता क्यों है, केमिकल डिज़ास्टर इसीलिए होता है, कोई भी केमिकल है अभी आपको उसे यूज़ करना है, आप यूज़ की जगह उसे मिसयूज़ कर रहे हैं, उसे तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हुआ, उसका एक एक्सीडेंट हो सकता है। अब मान लीजिए वो केमिकल आपके यहाँ बहुत ज़्यादा स्टोर है, इन केस कहीं से लीकेज हो रहा है और वो जाके एयर में मिल रहा है, हो सकता है वो इतना हार्मफुल हो कि उसको इनहेल करने से आप बेहोश हो सकते हैं या उससे जान भी जा सकती है उसे इनहेल करने से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि जो भी आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो आपको कैसे उसको स्टोर करना है, कैसे उसकी हैंडलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यूज़ भी आप कर रहे हैं तो जो केमिकल आप यूज़ कर रहे हैं वही सिर्फ आपकी इंडस्ट्री में अवेलेबल होना चाहिए, और जो केमिकल यूज़ में ले रहे हैं उसे प्रॉपर PPE पहनकर ही आप यूज़ में लिया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो सारी हमारे ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि अगर हम उसे ठीक से यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें कोई नुकसान नहीं देगा, पर अगर हम जहाँ भी कोई भी केयरलेसनेस करते हैं तो वो चीज़ उल्टा हमें ही नुकसान करेगी। ठीक है, तो ऐसे ही केमिकल की बात है, केमिकल एक एक्सप्लोसिव मटेरियल रहता है, हो सकता है वो आग भी पकड़ ले। ठीक है, कोई ऐसा केमिकल आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें आग जल्दी लग जाती हो तो आग लगने का भी चांसेस होता है, और आग जब एक बार लगती है तो उसे काबू में लेना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं
उसको आप अगर ठीक से यूज़ करते हैं, मतलब सिर्फ इतना करना है कि जो भी मटेरियल आप यूज़ में ले रहे हो उसकी हैंडलिंग ठीक से हो, स्टोर जहाँ है वो स्टोरेज ठीक से किया जाए, और जो यूज़ में लिया जा रहा है उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ में लिया जाए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद अब बात करें कि प्रिवेंशन कैसे लें, तो हम इसी तरीके से प्रिवेंशन ले सकते हैं, क्योंकि जो भी है उधर इंडस्ट्री में, जो प्रोडक्शन में काम कर रहा है, तो उसे पता होना चाहिए इस मटेरियल की हैंडलिंग किस तरीके से करनी है, और इसे यूज़ में कितनी क्वांटिटी में लेना है, और जो भी मटेरियल यूज़ करो उसे पीपीई पहन के यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ के होने वाले एक्सीडेंट्स को। तो इस तरीके से आज हमने केमिकल डिज़ास्टर की बात की है कि केमिकल डिज़ास्टर हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही और भी जितने भी डिज़ास्टर्स रहते हैं उन सभी में अगर हम ध्यान दें, सारा ध्यान जो है मैनमेड डिज़ास्टर्स का वो सारा ध्यान यही है कि अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी जिसकी वजह से वो एक डिज़ास्टर में चेंज हो जाए, ठीक है। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसे ध्यान से करना। अब मान लीजिए इनकेस अगर कोई रिस्क हो रही है उसमें, तो पहले उसे हम एनालाइज़ कर लें कि अगर ऐसा होगा तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो एनालाइज़ करेंगे तो हम रिस्क कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हमने बात की केमिकल डिज़ास्टर की, यानी पहले हमने बात की डिज़ास्टर की, डिज़ास्टर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, और केमिकल डिज़ास्टर के बारे में हमने बात किया, उसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात किया। तो ये सारे जो डिज़ास्टर्स रहते हैं, ये आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो आज मैंने आपको केमिकल डिज़ास्टर के बारे में बताया कि इस तरीके से केमिकल डिज़ास्टर जो है वो रिलीज़ होता है, कहीं से केमिकल रिलीज़ होता है और इस तरीके से वो डिज़ास्टर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एक्सीडेंट कुछ बड़ा कर दे, उसकी वजह से ऐसी चीज़ें हम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। कोई भी गैस ऐसी रिलीज़ हो रही है तो अगर हम इस पर ध्यान दें तो इस तरीके के बड़े एक्सीडेंट्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू।